वेलकम फ्रेंड्स, ट्रिकी मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपकी आरआरबी एनटीपीसी मुख्य रूप से, उसके अलावा सीटेट, टेट और एसएससी एमटीएस के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस या फिर अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आरआरबी के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? रेलवे के लिए ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे में काम ही दौड़ भाग का होता है भाई। ट्रेन चलती है तो किलोमीटर में चलेगी, दूरी में चलेगी, समय लगेगा, कितना ट्रेन लेट है, कितना दूरी जाना है, कितना दूर स्टेशन है, तो मतलब ये सब चाल और दूरी पर डिपेंड करता है ना। तो अगर आप रेलवे में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में तो जानना बहुत ही जरूरी है, समय के बारे में, कार्य के बारे में, चाल के बारे में, दूरी के बारे में, क्योंकि ये आपका काम में हर दिन यूज होगा, उपयोगी होगा। देखिए, जैसे स्पीड, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है स्पीड, मतलब चाल। इसका फार्मूला आपको याद नहीं करना है। आपने सुना होगा कि जो हमारी बाइक है, कार है या ट्रेन है, बस है, वो कितना स्पीड में चलता है, उसमें लिखा होता है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस में देखिए आप, रोडवेज में देखिए, लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है, ट्रक में लिखा होता है, या आप वैसे भी जानते हैं कि कौन सी ट्रेन कितना स्पीड में चलती है। तो क्या जानते हो आप, स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, है ना। तो अब यहां से आपका स्पीड का सूत्र भी निकल जाएगा, स्पीड का आप फार्मूला निकाल लीजिए, किलोमीटर। किलोमीटर मतलब क्या भाई, किलोमीटर से आप क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं किलोमीटर में ना, तो आप इसे क्या कह सकते हो, दूरी। दूरी मींस, इसको इंग्लिश में लिखे तो डिस्टेंस, डिस्टेंस समझिएगा मतलब। घंटा देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे में क्या नापते हैं, मतलब टाइम। तो ये देखिए आपके सामने फार्मूला भी आ गया, कभी ना भूलने वाला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इसे हिंदी में बोले तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए फार्मूले याद नहीं किए जाते हैं, ये चीज तो आपने सुना होगा, दैनिक जीवन में प्रयोग होता है कि चाल जो है वो स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, तो उसी से फार्मूला निकल गया। अब इसमें आप कुछ भी निकाल लीजिए, देखिए अगर हमें यहां से कुछ और निकालना है, जैसे चाल बराबर आ गया, कहीं आपको दूरी निकालना है तो क्या करोगे, यहां पे देखिए वन लिखा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए दूरी का वन में, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, दूरी को हम 60 में डी से दिखा दे रहे हैं, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और चाल का समय में गुणा कर देंगे, क्योंकि क्रॉस ऐसे तो होता ना जी, ये फ्रैक्शन वगैरह जैसे सीखते हैं, तो ये हो जाएगा डी इक्वल चाल, चाल मतलब स्पीड और टाइम मतलब यस मतलब टाइम, यानी कि d इक्वल एस इनटू t, और इसे आप लिख सकते हो चाल बराबर दूरी बटा समय को 60 में s इक्वल d अपॉन t, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। d मींस डिस्टेंस, t मींस टाइम, s मींस स्पीड। तो ये तो छोटा सा कांसेप्ट था, इस ये हो गया चाल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सापेक्ष चाल, उसको हम आपको दिखाते हैं। व्हाट इज सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, व्हाट इज रिलेटिव चाल। रिलेटिव मींस यहां पर आपको संबंधित मत समझिएगा, लेकिन एक प्रकार से होता वही है। तो सापेक्ष चाल क्या होता है, व्यवहारिक रूप में सोचिए और आप समझ भी जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा शहरों में या गांव में, तो होता नहीं फिलहाल, शहरों में या कस्बों में, ऐसा ही सिटी वगैरह में कहीं कहीं रेलवे ट्रैक होता है रोड के किनारे, है ना। कमेंट करके बताइएगा अगर आपने ऐसा कहीं देखा है तो। फाफामऊ प्रयागराज में है ऐसा, अगर आप फाफामऊ गंगा ब्रिज के पास जाइए तो लगभग 1 किलोमीटर गंगा के पुल तक जाते समय 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बगल में है, उसके बगल में नेशनल हाईवे है जो कि अयोध्या फैजाबाद प्रतापगढ़ को जोड़ता है इलाहाबाद से, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन भी रेलवे ट्रैक पर जाती रहती है और बस भी रोड पर जाता रहता है और दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, ऐसा हुआ है ना, आपने कई बार देखा भी होगा। तो ट्रेन तो भाई तेजी के साथ जाएगी अगर सिग्नल वगैरह सब कुछ ठीक है तो, बस उससे काफी धीमा जाएगा। तो अगर आपको ट्रेन और बस की सापेक्ष चाल निकालनी है तो कैसे निकाल पाएंगे बताइए, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, कल्पना करिए कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी उधर को ही जा रही, बस भी उधर को ही जा रहा है, बस अपना रोड पे जा रहा है, ट्रेन जो है वो ट्रैक पे जा रही है। तो इस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या होगी,
दोनों की चाल को घटा लेंगे। जैसे मानते हैं ट्रेन जो है बहुत अच्छा सिग्नल में है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। अब बस तो भाई इस यूपी के हाईवे पर 100 की स्पीड में जाएगी नहीं, तो कितने में जाएगी? बस जो है अमूमन बहुत ज्यादा जाएगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, है ना, 60 में जाएगी। तो सापेक्ष चाल कितना होगी? दोनों को आप घटा लोगे, सापेक्ष चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया ना? ये होता है सापेक्ष चाल का पहला एग्जांपल, जब दोनों की दिशा एक समान हो। दूसरा, जब दिशाएं असमान हो। असमान का एग्जांपल बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, कभी ना भूलने वाला। आपने देखा होगा अक्सर एक्सीडेंट होते हुए, अपने नजरों से नहीं देखा तो पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सुना होगा। एक्सीडेंट दो प्रकार का होता है। एक आपने देखा होगा कि पीछे से आ रही ट्रक ने कार में टक्कर मार दिया और कार जो है चकनाचूर हो गई, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान ना करे, ये होता है ना। लेकिन ये हादसा उतना भयावह नहीं होता, उतना भयानक नहीं होता है जितना कि सामने सामने टक्कर होती है। अगर उधर से ट्रक आ रही, इधर से कार जा रही है, आमने सामने, इधर से मानते हैं इधर को आ रही ट्रक और इधर से कार जा रही है, सोचिए अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा। ये उसका 100 गुना ज्यादा भयानक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानते हैं जो ट्रक की स्पीड थी वो 65 किलोमीटर थी। कितना थी? 65 किलोमीटर थी। और कार की स्पीड जो है वो मानते हैं कि 45 थी। कितनी थी? 45 थी। लेकिन इस समय जब हादसा होगा तो स्पीड कितना हो जाएगी? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कितना हो जाएगी अगर इस समय हादसा होगा? उधर से ट्रक आ रही, उधर से कार जा रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जब ये दोनों लड़ेंगे तो 110 किलोमीटर की स्पीड में लड़ेंगे, तब कितना बड़ा हादसा होगा, सोचिए। तो सापेक्ष चाल का एग्जांपल, जब दिशाएं असमान हो तब ये बहुत अच्छा है। उस स्थिति में क्या होता है? आपने देखा दोनों चाल जुड़ गई ना, अगर दिशाएं समान थी तो जुड़ गया ना। यानी इस समय जो हादसा होगा तो कितने स्पीड में होगा? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर होगा। यानी कि अगर दिशाएं असमान हो तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आप किसी फ्रेंड के यहां मिलने जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं, आजकल लोग रिश्तेदार के यहां कम जाते हैं, फ्रेंड के यहां ज्यादा जाते हैं। तो मानते हैं कि आप इधर से जा रहे हैं, उधर से आपका फ्रेंड आ रहा है, आ रही, तो होगा क्या? आप भी जा रहे हैं और वो भी उधर से आ रहा है, तो जल्दी मिलेंगे ना, क्योंकि आप कुछ स्पीड से जा रहे होंगे, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, वो भी उधर से किसी माध्यम से आ रहा होगा। तो अगर दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर थी, तो अगर आप धीमे चाल में भी जा रहे हैं, वो भी धीमा चाल से आ रहा, बहुत तेज नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी मिलेंगे ना, यानी दोनों की चाल जुड़ जाएगी कि नहीं? जुड़ जाएगी ना। तो बस ये होती है सापेक्ष चाल। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कभी ना भूलने वाली ये स्थिति है सापेक्ष चाल। अगर दिशाएं समान ना हो तो क्या होता है? सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। अगर दिशाएं असमान हो तो क्या होता है? दिशाएं असमान होती तो जुड़ जाता है, और अगर समान होती तो घट जाता है। ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी इसी पर बहुत सारे सवाल लगेंगे, जो कि आपके रेलवे की परीक्षा में विशेष रूप से SSC MTS और पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कांसेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप गोला भर पाओगे पेपर में। अब तो भरना नहीं पड़ता, टिक करना पड़ता है। पहले भरना पड़ता था मोटी पेन ले जा करके, है ना, OMR जो सीट मिलती थी, लेकिन अब तो कंप्यूटर से टिक करना होता है, बस हो गया, आसान हो गया, फिलहाल बहुत आसान हो गया। तो ये सापेक्ष चाल आप समझ गए। आप ज्यादा टाइम ना बिताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है, वो है कन्वर्जन ऑफ स्पीड। कन्वर्जन ऑफ स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में काफी कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमसे सवाल पूछे जाते हैं, वो दूरियां किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती है और उन्हें मीटर प्रति सेकंड में बताने होते हैं, है ना। तो आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, कभी ना भूलने वाला। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं? आपने सुना होगा, कुछ लोगों को याद भी होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं, मतलब 5/18 से मल्टीपल कर दिया जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी आपने सोचा? ये 5/18 आता कहां से है, आखिर इसको बनाया किसने? इधर देखिए, ये था किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और करना किसमें था? मीटर प्रति
सेकंड। जरा सोचिए, किलोमीटर को मीटर में करना है और घंटे को सेकंड में करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, किलोमीटर को मीटर में यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको चुपके से लिख लेते हैं 1000। दूसरा, एक घंटे में कितना सेकंड होता है इसको मैं बताऊंगा नहीं इस क्लास में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिएगा। ये प्राइमर जो हो रहा है ना रेड कलर का, इसको खत्म होने के बाद आप कमेंट करिएगा, आपको उसको दे दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिएगा, अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया तो आपको उसको दिखा दिया जाएगा, आप कभी ना भूलेंगे। तो एक घंटे में होता है 3600 सेकंड, कितना होता है 3600 सेकंड। तो ये करना था किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में। हल कर लो ना जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 10/36, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10 और 18 2 36। सो क्या हुआ, 5/18 आ गया ना। तो ये था फंडा इसका, 5/18 आता कैसे, कहां से आता है। अभी इसका यूज भी हम आपको दिखाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दिखाएंगे, एक मजबूत क्वेश्चन में। हाँ जी जरूर, मजबूत क्वेश्चन में। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप इसको भी जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, है ना, उसी को उल्टा कर देते हैं ना, सेम टू सेम। इसको भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है तो 1/1000 हो जाता है ना, और सेकंड को घंटे में बदलना है तो 1/3600 हो जाएगा, मतलब कि 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, कितने घंटे होंगे, जस्ट उसी को उल्टा आप कर ले जाओगे, कुछ नहीं बताना इसमें। अब हम आपको इसमें एक सवाल देंगे, उसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं उसको आप देखिए और बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। रेलवे की परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा, पूरा 90% उम्मीद है, ध्यान दीजिए तुरंत करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब आप लोग उत्तर कमेंट कर दिए होंगे, कितना आएगा आंसर जल्दी से बताइए, फट से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। हो गया सभी का कमेंट्स, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दो बिना कुछ सोचे समझे। देखिए पेन जो है उल्टा चल रही है, 5/18, 18 3 54, इस तरह से आ जाएगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर कोई गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, 1 सेकंड में वो गाड़ी 15 मीटर जाएगी, कितना जाएगी, 1 सेकंड में 15 मीटर। अगर आपकी कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही है तो आप 15 मीटर की दूरी को 1 सेकंड में पार कर जाएंगे, समझ गए ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। और हमारे साथ अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे क्लास में तो कभी ना भूलने वाले कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे पूरी गारंटी के साथ, बस आप देखते रहिएगा कहीं मत जाइएगा। एक दूसरा सवाल जो कि मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 162 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, जल्दी बताइए कितना है। सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे, देर मत करिएगा, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती है। तो 5/18 से इसको भी काट दो भाई, टेबल वगैरह आना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आपको ये सवाल नहीं आएगा। 18 9 162 और 9 5 45, इस तरह से आ गया 45 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपकी गाड़ी 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, भाई कार तो मत चलाइएगा 162 में, ना ही आप लोग अपनी बाइक को चलाइएगा, ये स्पीड जो होती है अमूमन ट्रेन की होती है। तो अगर कोई ट्रेन 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, जैसे मान लेते हैं राजधानी एक्सप्रेस, वैसे तो वो इससे भी तेज जाती है कभी कभी, तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करेगी। 45 मीटर मतलब आप जानते हैं जितना आपका बड़ा रूम नहीं होगा, मतलब कहने का रूम तो बहुत छोटा होता फिलहाल, एक मैदान के बराबर है ना, समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये पहला भाग है आपका, दूसरा भाग देखना मत भूलिएगा, सभी भाग अगर आप देखेंगे तो परीक्षा आपके मुट्ठी में आ जाएगी। देखिए मित्रों, पिछली कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है सवाल, जरा एक नजर देखिएगा इसको। कह रहा है कि 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है गाड़ी, चाल नहीं माफ करिएगा, चल रही है गाड़ी एक घंटे में कितना दूरी तय करेगी, मतलब वो गाड़ी जो है एक सेकंड में 60 मीटर जा रही है, तो करना क्या है इसको, कह रहा एक घंटे में कितना दूरी तय करेगी, एक घंटे में कितना दूरी तय करेगी, क्या करेंगे आप, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया था 18 बटा क्या करना है, 5 से गुणा करना है, तो इसको 18 बटा 5 से गुणा कर दो, 5 से काट दो 12 आ गया, 12 18 का गुणा कर लीजिए, 18 दूना 36 के 86 लेख, 18 एकम 18 18 18 एकम 18 18 3 21 216 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब अगर कोई ट्रेन 216 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो एक सेकंड में 60 मीटर जाएगी। देखिए इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसका हिंदी का इंग्लिश भी यहां पर है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर अ कार इन वन आवर व्हेन इट रन्स विद 60 किलो, माफ करिएगा 60 मीटर पर सेकंड, समझ गए ना। तो जितने भी क्वेश्चन आज आपको करवाएंगे फर्स्ट पार्ट में, ये आप आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत होती है कैलकुलेशन, तो इसके लिए जीरो लेवल मैथ जिंदाबाद है, जीरो लेवल मैथ आज ही ज्वाइन करें, जहां पर आपको क्लास फर्स्ट से जोड़ घटाना से लेकर के क्लास टेंथ तक की मैथ बहुत आसानी से मिलेगी, तो आप आज ही ज्वाइन करें, इस नंबर पर मैसेज करें, बाकी देखते रहे यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है, अगर आप डेली क्लास इस तरह का देखना चाहते हैं अपने घर बैठे तो आज ही ज्वाइन करें और देखते रहे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, चलते हैं आज के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि पीवीआर स्टडी को अगर अभी तक आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो इन वीडियो को फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पर आपको क्या करना है, सर्च करना है पीवीआर स्टडी, और पीवीआर स्टडी सर्च करके जो पेज आएगा उसको लाइक कर दीजिएगा, अंगूठे का निशान बना होगा फॉलो कर लीजिएगा, ये वीडियो जो वहां पर आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं और सारे अपने कमेंट्स का जवाब भी पा सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करना ना भूलें आपकी अपनी पीवीआर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट pvrstudy.com, ध्यान दीजिएगा यहाँ स्पेस नहीं रहेगा, pvrstudy.com। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मैं राज कुमार इंदवंशी, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई क्लास, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।